आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। किसी भी सरकार ने किसानों का भला नहीं सोचा, इसलिए फिर शुरू होगा किसान आंदोलन। किसान महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पत्रकार वार्ता में बताई आगामी कार्य योजना। केंद्र की सरकार द्वारा किसानों के लिए आज तक कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई। साथ ही एक साल का किसान आंदोलन जो कुछ समय के लिए स्थगित किया था, वह आंदोलन 2023 में फिर शुरू होने वाला है और इसका मुख्य केंद्र बिंदु दिल्ली रहेगा, जहां पूरे देश भर से 1,00,000 किसान ट्रैक्टरों के साथ इस आंदोलन में शामिल होंगे। ये बात संयुक्त किसान मोर्चा एवं राष्ट्रीय किसान मजदूर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार शर्मा कक्का जी ने नगर में पत्रकार भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान व्यक्त किए। कक्का जी ने बताया कि एक साल के आंदोलन के दौरान 300 से अधिक किसान शहीद हुए थे। वहीं उन किसानों को आज श्रद्धांजलि देकर उन्हें याद करने के लिए क्षेत्र में एकत्र हुए थे। किसानों की स्थिति एक साल से लगातार आंदोलन में रहने के कारण खेत घर परिवार की बिगड़ गई थी, इसलिए उस आंदोलन को कुछ समय के लिए स्थगित किया गया था, उसे समाप्त नहीं किया गया। वहीं आंदोलन एक बार फिर से दिल्ली में शुरू होने वाला है, जिसे लेकर अभियान शुरू किया गया है। वहीं 2023 में 1,00,000 किसान और 2024 में 3,00,000 किसान ट्रैक्टर के जरिए दिल्ली पहुंचेंगे और केंद्र की सरकार को आगाह करेंगे। वहीं कक्का जी ने सवाल के जवाब में कहा कि हमारी दो प्रमुख मांगे हैं, जिसमें 2017 से शुरू हुई खुशहाली के दो आयाम, ऋण मुक्ति और पूरा दाम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार समर्थन मूल्य दिया जाए, उस समर्थन मूल्य को गारंटी का कानून बनाया जाए। तुम्हारे निकम्मेपन के कारण 2007 में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट अगर मान ली जाती तो आज किसान कर्जदार नहीं होते। केंद्र की सरकार के निकम्मेपन के कारण हम कर्जदार हुए हैं। ऋण मुक्त किया जाए, कर्ज माफी, हम कोई चोर नहीं है जो हमें माफी मिले। हम किसान हैं, इसलिए ऋण मुक्ति किसानों के ऋणों की जाए। साथ ही अनेक सवालों का जवाब देते हुए किसान महासंघ से जुड़ी हुई विभिन्न बातों पर ध्यान दिलाया। वहीं कक्का जी ने आगे कहा कि केंद्र की सरकार किसानों के लिए योजना जरूर चला रही है, लेकिन उनका जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। योजना जरूर चल रही है, लेकिन जब तक इसका किसानों को सही लाभ नहीं मिले, ऐसी योजना चलाने से कोई मतलब नहीं। इस दौरान कक्का जी के साथ कार्यकारिणी के अनेक पदाधिकारी एवं किसान मौजूद थे। आजाद न्यूज के लिए सनावत से विवेक विद्यार्थी की रिपोर्ट। सबसे पहले बनी थी कमेटी 7 लोगों की, मैं उस कमेटी का मेंबर था। 40 लोग की कमेटी थी जो सरकार से वार्ता करती थी, उसका मेंबर था। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि छोटी कमेटी बनाइए आप। हमारे बीच चुनौती थी बहुत बड़ी कि 580 संगठन और 2000 पदाधिकारी बैठ के मीटिंग लेते हैं, उसमें से 5 लोग को कैसे चुना जाए। हर संगठन चाह रहा है कि मैं ही बहुत बड़ा हूँ, पर पंजाब के साथ ही खड़े हुए उन्होंने कहा कि हमारे सबकी ओर से कक्का जी रहेंगे कमेटी में नंबर 1। थोड़ा बहुत दिक्कतें हुई, हमने 5 लोग की कमेटी बन गई। 5 लोग की कमेटी हमारी वार्ता हुई, उसमें कई राउंड चले, आखिरी में सरकार ने हमारी 5 बिंदुओं पर सहमति बताई। और भारत सरकार के जो सचिव थे मिस्टर अग्रवाल, उनके लेटर पैड पर सरकार ने लिख के दिया कि MSP गारंटी का कानून हम बनाएंगे, नंबर 1। नंबर 2 की 1,48,000 मुकदमे, 378 दिन आंदोलन चला, दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन था, विश्व में इससे आंदोलन नहीं हुआ। 750 किसानों की शहादत हुई, एक किसान मध्य प्रदेश का भी शहीद हुआ है, डबरा सुरेंद्र सिंह। तो 1,48,000 मुकदमे झूठे बने हैं, उनको हम वापस लें। तो तीसरा, सरकार ने लिख के दिया कि जो 750 किसान शहीद हुए हैं उनके परिवार को नौकरी और मुआवजा की राशि हम दें, वो भी नहीं पूरा हुआ। एक बिजली बिल आ रहा था, बिजली विधेयक, जिसमें किसान की बिजली 4 गुना महंगी होने वाली है। तो सरकार ने उस पर लिख के दिया था कि जब बिजली विधेयक लेके आएंगे तो किसानों को हम विश्वास न लेंगे। बिजली विधेयक पास हो गया पर किसानों की चर्चा नहीं। आखिरी सूत्र हमारा कि हरियाणा, पंजाब और यूपी का जो बेल्ट है दिल्ली से लगा हुआ है, यहाँ पराली का मतलब है पैड़ी का भूसा जलाने पर 1 करोड़ रुपए जुर्माना और 7 साल की सजा मिलती है। तो बोले वो हम वापस करें, तो 7 साल की सजा तो उन्होंने माफ कर दी है कि नहीं होगी, मगर 1 करोड़ का जुर्माना अभी भी उसमें रहेगा।
तो जिन पांच बिंदुओं पर हमारा समझौता हुआ था और पांच बिंदुओं के आधार पर हमने आंदोलन को स्थगित किया था, समाप्त नहीं किया था, उस कारण से वो आज तक पांच बिंदु हमारे जहां के तहां खड़े हैं और सरकार ने उन पर कोई गौर नहीं किया। आगे की रणनीति 2023 में 1,00,000 ट्रैक्टर मूव करेंगे दिल्ली की ओर पूरे देश से, और आंदोलन 2023 से फिर प्रारंभ किया जाएगा।